बलसाड़ में एक बुजुर्ग पड़ोसी को विश्वास में लेकर उनके बैंक एटीएम कार्ड के जरिए पेटीएम वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करके 3.23 लाख रुपयों को सफा चट करने वाले पड़ोसी युवक को साइबर क्राइम पुलिस ने जेल के सलाखों के पीछे धकेला। इंटरनेट और ऑनलाइन बैंकिंग के इस जमाने में अपने बैंक अकाउंट के एटीएम कार्ड की जानकारी आपके करीबी विश्वासों के साथ भी अगर शेयर करते हो तो चौकन्ना रहिए, क्योंकि ज्यादा भरोसा महंगा साबित हो सकता है। तो ऐसे ही चौंकाने वाला किस्सा बलसाड़ में प्रकाश में आया है, जिसमें एक बुजुर्ग को उसके ही वर्षों पुराने पड़ोसी ने लाखों रुपयों का चूना लगाकर बैंक अकाउंट सफा चट करते बुजुर्ग को रोने की नौबत आई है। बलसाड़ के गुंडलाव में रहते गोवर्धन भाई राठौड़ नामक एक बुजुर्ग लंबे समय के बाद अपना बैंक अकाउंट चेक करते लाखों की जमा पूंजी में सिर्फ 1000 रुपयों का बैलेंस हो उसके होश उड़ गए थे। किसी सातिर दिमाग वालों ने 3,23,000 रुपयों से भी ज्यादा की कीमत ट्रांसफर की थी। घटना के चलते धोखाधड़ी के शिकार बने गोवर्धन भाई राठौड़ नामक बुजुर्ग ने बलसाड़ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना की गंभीरता को लेकर इस मामले में गहराई से जांच करते गिनती के समय में ही बलसाड़ साइबर क्राइम पुलिस को सफलता प्राप्त हुई थी और सूरत के आरोपी कृणाल पवार नाम के आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। पुलिस की प्राथमिक जांच में जो हकीकत सामने आई वो जानकर खुद पुलिस और गोवर्धन भाई भी हैरान रह गए थे, क्योंकि बैंक अकाउंट में से लाखों रुपयों को हड़पने वाला कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी ही निकला। गोवर्धन भाई का एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता हो, कृणाल पवार के सहयोग से एटीएम से पैसे निकालते थे। बाद में कृणाल के मन में लालच पैदा होते डमी पेटीएम वॉलेट बनाया था और इसी के जरिए धीरे धीरे 7 महीनों में 3,23,000 रकम ट्रांसफर की थी। आरोपी कृणाल को गिरफ्तार कर पूछताछ करते चौंकाने वाली हकीकत बाहर आई थी। आरोपी कृणाल पवार पटेल भी जुआ खेलने के जुर्म में पकड़ा गया था। पुलिस ने इस केस में आगे की जांच शुरू की है। वलसाड़ जिला ना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक गुनो दाखल थयेलो छे। जे गुनानी हकीकत में एवी रीतनी हकीकत छे के एक गोवर्धन भाई भीखाभाई राठौड़ नामना ईसम जे गुंडलाव खाते रहे छे तेमने एकाउंटमांथी 3,25,000 रुपया जेवी मातबर रकम तेमने जाण बहार तेमना एकाउंटमांथी उपाड़ी लेवामां आवेली हती। आ अंगे वलसाड़ जिला पोलीस अधीक्षक श्री डॉक्टर राजदीपसिंह झाला साहेबना मार्गदर्शन हेठळ साइबर क्राइम पोलीस स्टेशन द्वारा आनी तपास करवामां आवेली अने आ गुनाना कामे एक आरोपी की धरपकड़ करवामां आवेली छे। अने आ आरोपी कृणाल वसंतभाई पवार नामनो ईसम जे सूरत खाते रहे छे तेने अटक करवामां आवेली छे। आ जे कृणाल नामनो ईसम छे ते आ कामना फरियादीना परिचयमां हतो अने आ फरियादीना जाणबार तेणे फरियादीनो मोबाइल लई अने तेनाथी एकाउंट अने ओटीपीनी माहिती फरियादी पासेथी प्राप्त करी लीधेली अने एक डमी एकाउंट बनावी अने फरियादीना एकाउंटमांथी एकाउंटमां पैसा ट्रांसफर करी અને ઉચાપત કરેલી છે તે અનુસંધાને ગુનો દાખલ કરી આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે। આ જે ફરિયાદીની જાણ બહાર તેના એકાઉન્ટની માહિતી લઈ લીધેલી હોય આ એકાઉન્ટમાંથી તે પોતાનું એક ડમી પેટીએમ એકાઉન્ટ બનાવેલું હતું તેમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરતો હતો અને તેમાંથી અન્ય પોતાના એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી અને પોતે આ પૈસાનો ઉપયોગ કરતો હતો। ઘણા લાંબા સમયથી આ બેંકના એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ઉપાડવામાં આવી રહેલા હતા, પરંતુ ફરિયાદી દ્વારા બેંકના સ્ટેટમેન્ટ કાઢવામાં આવતા ન હતા, તેના કારણે ફરિયાદીને જાણ થયેલી ન હતી અને છેલ્લે ચેક કરતા તેમને એકાઉન્ટમાં 1000 રૂપિયા જેવા રકમ બાકી રહી ગયેલી ત્યારે ફરિયાદીને જાણ થયેલી હતી। આરોપી જે છે એનો ગુનાહિત ઇતિહાસમાં તે જુગારના ગુનાઓમાં પકડાયેલાનું જણાઈ આવેલ છે અને આ જુગારની લતના કારણે તેણે પરિચિત જે ઈસમ છે ફરિયાદી તેની જાણબહાર આ પૈસાની તેની જાણબહાર પૈસા ઉપાડી લીધેલા છે અને સાયબર ક્રાઇમનો ગુનો કરેલો છે।